पता चला सब। थैंक यू। क्या कुछ प्लानिंग होने वाली है यहाँ पे? अभी मैं जा रही हूँ बस डिनर पे, बिकॉज ये शो था यू नो, तो एनिवर्सरी है, बट इट्स ओके, वी कीप वर्किंग। सो आई वॉज वॉकिंग फॉर समन चौहान के लिए, वॉक करी थी पर्नियाज पॉपअप शॉप के लिए। सो यस, अभी मैं जा रही हूँ डिनर पे अपने हस्बैंड के साथ। कैसा रहा एक्सपीरियंस रैंप वॉक का, ये जानना चाहेंगे। एंड रैंप वॉक से पहले कुछ नर्वसनेस होती है दिव्या जी को? नहीं, एक्चुअली अब तो नर्वसनेस नहीं होती, बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा म्यूज़िक था। आप सब थे, आप सबके चेहरे देखकर मैं वैसी खुश हो गई कि अपने मिल गए। सो आई वॉज हैप्पी एंड या इट वॉज फन, एंड इट वॉज अ फन रैंप वॉक। ऐसे कोई फॉर्मल इवेंट था भी नहीं। आई होप सो मुझे सरप्राइज मिले। एक्चुअली यू नो, मेरे हस्बैंड ने एक सरप्राइज प्लान किया था, वो गोवा लेके जा रहे थे, पर उन्हें पता नहीं था कि मेरा शो है, तो तो वो मुझे फोन करके बोल रहे कि तेरा शो है। मैंने कहा हाँ, सो ही हैड प्लान फॉर गोवा, बट यू नो अब क्या करें। नहीं, देन ही इज गोइंग टू लंदन फॉर शूटिंग। सो या यू नो, बहुत अच्छा टाइम है बिकॉज बहुत सारा न्यू टैलेंट आ रहा है, और एक टाइम आया था जब बिल्कुल ही न्यू टैलेंट सीप इन करना बंद हो गया था और सिंगल्स चल नहीं रहे थे, पॉप म्यूजिक बंद हो गया था। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम, बिकॉज जब तक न्यू आर्टिस्ट नहीं आएंगे तो ग्रोथ कैसे होगी। सो हम हमेशा टी सीरीज में इनकरेज करते हैं न्यू टैलेंट को। यस, तो इट्स रियली नाइस। चलिए जाते आते हैं, आपकी थोड़े से ये आउटफिट के बारे में जानना चाहेंगे जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। आई कैन मेक अ, आई कैन, यस बहुत सारे लाइट में, हां जी वो आई थिंक आउटफिट। सो आई वर्कड फॉर समन चौहान फॉर पर्नियाज पॉप अप शॉप, एंड बहुत अच्छे डिज़ाइनर है वो दिल्ली के, एंड इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड येस आई कम्प्लीटली इन्जॉयड माई सेल्फ। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू अरुण। ओके मंदना जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि रैंप वॉक से पहले क्या कुछ फीलिंग होती है, कुछ नर्वस होती है, एक्साइटेड होते हैं? ओके, तो बेसिकली क्या हुआ कि बहुत काफ़ी टाइम हो चुकी है कि मैंने रैंप वॉक नहीं किया है, एंड आज, हाँ जी, आज गैब्रिएला के लिए मैंने वॉक किया है जो मेरा दोस्त है, एंड आई नो गैब्रिएला सिंस नो शी वॉज अ मदर बिफोर। सो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि यू नो आई वॉज वॉकिंग फॉर माई फ्रेंड, एंड मुझे ये इतना सुंदर आउटफिट वॉज अ लॉट ऑफ फन, और नर्वस तो नहीं थी क्योंकि सब दोस्त बैक स्टेज में ही थे, तो इट वॉज अ फन शो। यस, यू नो रेड कॉम्बिनेशन है, वैलेंटाइन डे टुमारो, वैलेंटाइन डे, यस हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। आप लोग का प्लान क्या है? वर्किंग वर्किंग वर्किंग। आप हमेशा हमसे पूछ रहे कि तुम्हारा वैलेंटाइन प्लान है, आपका प्लान क्या है वैलेंटाइन? आई एम वर्किंग वर्किंग मुझे मे बी एक्चुअली काम कर रही हूं। सेम है, single? Yes, I am very single. Oh my god. Very single. नहीं, बस मजाक कर रही, हाँ जी। तो स्पेसिफिक प्लानिंग है कुछ? नहीं, एक्चुअली मेरा बस सुबह में एक इंटरव्यू है फेसबुक ऑफिस में, मुझे जाना है। वो मीटिंग के बाद मेरा मम्मी और मेरा एकदम सबसे जिगरी दोस्त मुंबई में, मैं ये दोनों को डेट के लिए लंच के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके फ्लोरा जी, सबसे पहले तो बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विथ ब्यूटीफुल किड्स के साथ? बहुत अच्छा रहा। आई थिंक स्माइल फाउंडेशन का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है टू ब्रिंग यू नो, वी आर द प्रिविलेज वंस जिनको बहुत सारा हमारे पेरेंट्स का प्यार है, एंड हम काफ़ी प्रिविलेज हैं लाइफ में, और इससे बेहतर वैलेंटाइंस डे नहीं हो सकता कि हम
थोड़ी सी कोशिश करें कि हम वो प्यार बांट सकें और जो लाइफ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं या करते हैं वो थोड़ा सा यू नो खुशी थोड़ा सा प्यार बांट सकें. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस मैसेज एंड गिफ्ट फॉर वैलेंटाइंस एंड इट्स बीन एन ऑनर टू डॉक्टर राम. वैलेंटाइन डे के लिए नहीं यार, मैं तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे कोई चॉकलेट दे दें, विश कर दें, रोज दे दें, बट रियली वाओ, वी नीड टू शेयर दिस. Foundation for thinking so creatively, giving us this beautiful sari, the lovely roses, and it's all about love and Indian love. So it makes me really, really proud. Thank you so much. Thank you. Good luck. Thank you. बिल्कुल आप खा लीजिए. मक्का ले लूँ ना? हाँ जी बिल्कुल, आप पूरा भी खा सकते हैं. First of all, the experience is always splendid when I walk for Smile Foundation. Whenever they want me, I'm always there. I love the causes that and the initiatives that they take, and they're very close to my heart as well, the initiatives. We'll speak about today's initiative, which is I Support She Can Fly. This is primarily for the girl child, and it speaks about education for the girl child. I myself have a daughter, and I am a complete feminist at heart. I feel that if we educate the girl child, she's capable of educating our family. The family will educate the entire society. Society in turn is, you know, is an entire community. This way we can, if we think each and every one of us thinks and at the micro level, I think it's definitely going to help the future of this country. And that's it. Okay, Isha, how do you feel whenever you become a part of such an initial cause? Well, I feel great, I feel humbled, and I feel absolutely privileged that they call upon me to support any cause, because it is celebrities like us who can make a difference, because people out there listen to what we say, they love us, we are here because of you all, and when each and every one of us, if all of us you know, come together and support these kind of causes, I think it will bring a very big change in our society. Okay, Isha, when it comes to the fashion, what is the true definition of fashion according to you? I think comfort is what I definitely choose, because if I'm not comfortable, it just comes across. It kind of reflects in my persona, it reflects in my attitude. So I have to be very comfortable in what I wear. Yes, it has to be trendy. I do follow trends to a certain extent, but not completely. Okay, last two questions. If you get an opportunity to bring back one fashion style from past, what do you do? If I have to bring back a fashion style from the past, what would it be? I think polka dots. Yeah, they'll never go out of fashion. I love polka dots. And I think it's very fun, and there's something really cute about it. You can experiment a lot with it. Okay, लोगों का प्यार बहुत मिला है आपको. हमेशा मिलता रहे लोगों का प्यार. हमेशा मिलता रहेगा. And now you've become an official, also you've joined BJP. So what was it all behind the joining BJP? देखिए, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि हम सेलिब्रिटीज, हमको हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, जो हमको चाहते हैं, हमको प्यार करते हैं, हम जो भी कहते हैं, जो भी पहनते हैं, उसको बहुत सीरियसली लेते हैं. हमारा फ़र्ज बनता है कि वी लीड एंड वी टीच देम द राइट थिंग्स. और मैं हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके जो राज्य में, आई रियली फील देयर हैज बीन a good change in our country and society. तो मुझे बस यही लगा कि इतने सालों से जब मैं अकेले कुछ करती आ रही थी, मैं ऐसे एक संगठना से, एक ऐसे एक जगह जुड़ जाऊँ which is willing to bring a positive change to society, to our country.
बस इसीलिए मुझे बस सेवा करनी है, मैं जितना हो सकूँ लोगों के लिए कुछ करना चाहूँगी। भगवान ने इतना दिया है, आई थिंक थोड़ा बांटना भी बहुत ज़रूरी है। ओकेशन मैम कितना डाउट रहेगा आपके लिए, बिकॉज हमने इसके पहले बात की थी गोविंदा जी से भी, और जो भी एक्टर पॉलिटिशियन में टर्न में बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ जी, हाँ जी, पॉलिटिकल लाइफ हाँ जी टफ होगा आपके लास्ट। देखिए ये अगर हम लोग सोचेंगे ना कि कोई चीज़ कितनी टफ होगी, हम जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मुझे ये सोचना नहीं है कि ये टफ है, मुझे बस ये सोचना है कि मैं लोगों के लिए कितना आसान कर सकती हूँ बस। Thank you. के साथ मैंने पहले भी वॉक किया 2014 में, ये सेकेंड टाइम मैं कर रही हूँ और हमेशा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली आप लोगों की वजह से भी। और इस बार बहुत भी स्पेशल है बिकॉज एक गर्ल थी मेरे साथ में और मुझे हर नेम बहुत सुष्मिता, तो मैंने बोला तुम्हारा नाम ही इतना अच्छा नाम है तुम्हें, मतलब तो बहुत अच्छा लगा उसके साथ मुझे वॉक करके मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं रैंप पे वॉक कर रही हूँ। इस वे आई एम शेयरिंग अ मोमेंट विद दैट गर्ल जो कि यू नो इतना खुश हो रही थी मेरे साथ वॉक करके, एंड शी वॉज इन अ रेड फ्रॉक, तो एक मोमेंट को मैंने बहुत चेरिश किया। एंड ऑफकोर्स स्माइल इज डूइंग दिस फाउंडेशन इज डूइंग NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जिनका लोगो ही है कि यू नो सेव द चाइल्ड एंड एजुकेट द चाइल्ड, विच इज़ आई थिंक अ वेरी गुड कॉज, और यही हमें करना चाहिए। यू नो यही हमारा एज एन एक्टर एज अ सेलिब्रिटी ये रहता है कि हम लोगों को यही जागरूकता फैलाएं कि सेव द चाइल्ड, सेव द गर्ल चाइल्ड, उसको एजुकेट करें, वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि वो मेरी जैसे यू नो या मेरे से भी बड़ी जितनी भी, और जैसे मैंने बताया सुष्मिता उसका नाम था, सुष्मिता सेन जैसे इतने अच्छी वो लड़कियाँ आगे बने और यू नो हमारे देश को भी उन पर प्राउड हो, आपके घर को उसको प्राउड हो, तो ऐसा बच्ची को जो है सेव कीजिए और उसको एजुकेट कीजिए। शैलेश सिंघानिया मेरे फेवरेट डिज़ाइनर है और आज मैंने उनकी ही साड़ी पहनी है लकीली, और मैं आई एम वेरी हैप्पी, पहली बार मैंने इतना लाइट शेड पहना है एंड बिकॉज इट्स शैलेश साड़ी, तो मुझे बहुत मैंने यही चूज़ किया स्पेशली, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यू नो बेज एंड रेड कॉम्बिनेशन मेरा फेवरेट है और फर्स्ट टाइम मैंने ये कॉम्बिनेशन साड़ी के रूप में पहना है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।